हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा एक बार फिर आपके साथ जानकारी हित चैनल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ यहां पर शेयर करेंगे। आज हम वो कॉन्सेप्ट है टैक्स। यस, कर क्या है, कर के बारे में बात करेंगे, डिटेल बात करते हैं हम आज के इशू पे। लेट्स मूव अहेड विद मी टू डिस्कस टुडेज कंटेंट। स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें दो बातों की चर्चा होती है हमेशा। गवर्नमेंट का खर्च कहां पर होने वाला है और उसको आय कहां से होगी, रेवेन्यू कहां से मिलेगा। आपको एक बात बता देता हूं, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सबसे बड़ा साधन है दैट इज टैक्स। कर सबसे बड़ा साधन है भी गवर्नमेंट का, जो टैक्स उसको प्राप्त होता है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज से, लोगों से, बिजनेसमैन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जहां से भी उसको टैक्स मिले वो सबसे बड़ा साधन होता है गवर्नमेंट के बजट का। तो बात करते हैं टैक्स क्या है। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पर्सन, इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस हाउस टू द गवर्नमेंट विदाउट डिराइविंग एनी बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब कर एक ऐसा कंपल्सरी आवश्यक जिसे कहते हैं भुगतान है जो करना ही पड़ेगा किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यापारिक संस्था के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा जो सरकार को दे रहे हैं, परंतु बदले में टैक्स को देने के बदले में उसको प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से कुछ भी डिराइव नहीं होने वाला, मतलब मिलने वाला नहीं है। ये नहीं कि आपने 5000 का टैक्स पे किया तो आपको 5000 की गवर्नमेंट सर्विस देने वाली है, कोई 5000 आपको कैश कोई वस्तु देने वाली है, ऐसा नहीं है। टैक्स के बारे में एक बात साफ है, ये कंपल्सरी पेमेंट है जो करनी ही पड़ेगी, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो बात करते हैं इसकी फीचर्स के बारे में, जो कंटेंट का उसमें से इसकी फीचर्स आएंगी। तो बात करते हैं फीचर्स ऑफ टैक्स, कर की विशेषताएं क्या है। फर्स्टली वी कैन से इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट, बिल्कुल ये आवश्यक भुगतान है जो आपको करना ही पड़ेगा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। जिस पर भी टैक्स बनता है देश के कानून के अकॉर्डिंगली, जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली वो पे करना ही पड़ेगा, इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट। सेकेंड वन इज नो स्पेशल बेनिफिट टू द टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर है, करदाता है, उसने जितना टैक्स पे किया, गवर्नमेंट को कर अदा किया, उसके बदले में उतना बेनिफिट उसको वस्तुओं या सेवाओं के रूप में प्राप्त नहीं होता। ये ध्यान रखो कि ये नहीं है कि जिसने ज्यादा टैक्स पे किया, जितना टैक्स पे किया उतना ही गवर्नमेंट उसको कोई बेनिफिट देगी, ऐसा नहीं है। तीसरा है मोटिव ऑफ ए पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि जो देश है वो एक वेलफेयर स्टेट है, लोगों के कल्याण की बात करता है, देश से रिलेटेड बहुत से खर्च करने होते हैं, देश की डिफेंस से रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ। तो जो मेन टैक्स का मोटिव है, टैक्स लेना जो गवर्नमेंट लेती है, उसका मेन मतलब होता है लोगों का कल्याण करना, एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, टू बी अ वेलफेयर स्टेट, टू वेलफेयर, टू डू ईच एंड एवरी concept for the welfare of the society or people of the country. Next one, responsibility of the tax payer, जो tax को pay करने की final responsibility है वो tax payer की है। Tax collect करने वाली agencies, government के offices अलग हैं, वो tax collect करते हैं, लेते हैं, but उनका tax collect करना उनकी responsibility नहीं है legally. एक्चुअली टैक्स पे करना टैक्स पेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पर्टिकुलर टाइम तक वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लीगल प्रोसीजर, टैक्स पे करना कानूनन रूप से जरूरी है, विद प्रॉपर लीगल प्रोसीजर, ईच टैक्स पेयर हैज टू पे द टैक्स, जो भी उस पर इम्पोज किया गया है, जितना भी बनता है उसको देना पड़ेगा स्पेसिफिक डेट तक, अगर वो नहीं करेगा तो सजा के लिए तैयार रहे, वो पेनल्टी भी हो सकती है, वो जेल की सजा भी हो सकती है, मतलब पनिशमेंट इज देयर। दीज आर द फीचर्स ऑफ टैक्स। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स, टैक्स का वर्गीकरण करना है भी हमने, अलग अलग हिस्सों में बांटना है। सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन की बात होती है, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्स, हम इस रूप में टैक्सेस को क्लासिफाई करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेस वो कर हैं
जो टैक्स में जितनी अगर इनकम बढ़ती जाती है तो उस पर टैक्स का बर्डन भी बढ़ता चला जाए। इनकम कम है तो टैक्स कम लगेगा, इनकम ज्यादा है टैक्स ज्यादा लगेगा। इनकम मान लो 1 लाख है तो आप पर 5% टैक्स लगा, मान लो 2 लाख पर 10% टैक्स लगा, 3 लाख पर 15% टैक्स लगा। जैसे जैसे इनकम रेज हो रही है, टैक्स का रेट रेज हो रहा है, इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, प्रगतिशील कर। इसके बारे में कहा जाता है भी ये बड़ा सोच समझ के लगाए गए टैक्स हैं, इसका बर्डन गरीबों पे कम और अमीरों पे ज्यादा, जितनी जितनी इनकम बढ़ेगी टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव के बाद रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी कर, ये बिल्कुल उसके उल्ट, इनकम ज्यादा टैक्स कम, इनकम कम टैक्स ज्यादा। मतलब ऐसा टैक्स का कर का ढांचा कि इस ढंग से बनाया गया हो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप पर लगने वाले टैक्स का रेट भी कम होता चला जाएगा। मान लो आपकी इनकम 5 लाख है, आपको 10% टैक्स देना पड़े। किसी की इनकम 2 लाख है, 2 लाख जैसे ही इनकम हुई तो उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा। जो मान लो किसी की इनकम 1 लाख है, उसको 20% टैक्स देना पड़े। इस टाइप के टैक्स स्ट्रक्चर को या किसी भी टैक्स को हम रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। प्रोपोर्शनेट टैक्स क्या है? प्रोपोर्शन टैक्सेस आर दोस टैक्सेस व्हिच हैव इक्वल बर्डन ऑन ईच एंड एवरी पर्सन बाय रेट वाइज, परसेंटेज वाइज। मान लो किसी वस्तु, किसी इनकम पर, किसी टाइप के टैक्स स्ट्रक्चर में किसी भी व्यक्ति पर 10% टैक्स लगना है। अब इनकम 5 लाख हो, 10 लाख हो, या 20 लाख, 10% टैक्स देना है। तो इस टाइप के टैक्स को हम प्रोपोर्शनेट टैक्स कहते हैं। वहां पर टैक्स लगाने का जो रेट है वो सेम रहता है। इसके अलावा हम जब हम टैक्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन का एक ढंग है स्पेसिफिक टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पर एक निश्चित अमाउंट में टैक्स लगा दिया जाए, कर निश्चित अमाउंट में लगाया जाए। मान लो एक रेफ्रिजरेटर पर 10,000 टैक्स लगा दिया, दैट इज सब पर, चाहे कोई भी उसको रेफ्रिजरेटर को खरीदे, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक टैक्स। ये बेचारा टैक्स अगर सोचे तो रिग्रेसिव टाइप का है भाई। अमीरों पे इसका बर्डन कम, गरीब पे ज्यादा, क्योंकि सब पर सेम लगा दिया। अब गरीब के पास, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है, उसको उसका बर्डन ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स प्रोडक्शन प्रोसेस से बेस्ड है कि जैसे जैसे किसी वस्तु को तैयार करने में एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, दूसरी से तीसरी प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरता है, उसकी वैल्यू एडिशन होती है तो उस पर टैक्स लगता चला जाता है। इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जैसे जैसे वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई तो टैक्स लगता चला गया। इसमें टैक्स से बचना बड़ा मुश्किल है। अगर एक स्टेप पे लग गया तो तीसरे पे लगा तो दूसरे पर भी लगेगा लगेगा। मतलब कैसे? मान लो एक फैक्ट्री में प्लास्टिक तैयार हुआ, दूसरे में टायर तैयार हुआ, तीसरे में कार तैयार हुई, तो वो उसकी वैल्यू एडिशन हो रही है लगातार। ऐसे ही किसी फर्नीचर है, अब लकड़ के प्लैंक्स थे, उनसे फर्नीचर बना, फर्नीचर को पॉलिश किया, उसको और बेटर फर्नीचर बनाया, तो उसकी वैल्यू एडिशन होती जा रही है, तो उस पर लगने वाले टैक्स को हम वैल्यू एडेड टैक्स या वैट का नाम देते हैं। इसके अलावा टैक्स के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कि टैक्स को पे करने का जो बर्डन है वो किस पर पड़ता है। उस आधार पर देर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इस ढंग से भी हम टैक्स को, उसका बर्डन किस पर पड़ना है, इस हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है? नाम बता रहा है, प्रत्यक्ष कर। मतलब क्या है इसका? ये टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया गया उसी को ही इस टैक्स को, इस कर को पे करना है। वो उसका बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता। उसका रियल बर्डन भी वही सहन करेगा, उसका मॉनेटरी बर्डन भी सहन करेगा। मॉनेटरी का मतलब पैसे के रूप में जो उसने टैक्स पे किया, उसका असली बर्डन भी वही सहन करने वाला है, रियल बर्डन। तो इस टैक्स को किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, भाई पे मैंने कर दिया तुम सहन कर लो, ऐसा नहीं है। इस टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स की सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल इनकम टैक्स है। जिस व्यक्ति को इनकम होगी उस पर इनकम टैक्स। अब इनकम मुझे हुई है, मैं कहूं टैक्स आप दे दो, ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स नहीं कहते। जैसे दुकानदार करते हैं, वो जो दुकानदार टैक्स खुद पे कर देते हैं पर वो खुद अपनी जेब से नहीं करते, मॉनेटरी रूप में एक बार पे कर दिया, फाइनल बर्डन आप पे बढ़ने वाला है एज ए कस्टमर, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो वो कौन सा टैक्स है? वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या है? वो टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया गया है वो उसको मॉनेटरी रूप में आप पे करे,
पर उसका फाइनल बर्डन किसी दूसरे पर ट्रांसफर कर दे, उसका फाइनल बर्डन की शिफ्टिंग हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। जो बिजनेसमैन जितने भी टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे किया भाई बिजनेसमैन ने, जब जीएसटी पे करके उन्होंने अपनी जेब से कर दिया, चार्ज किससे करेंगे? कस्टमर से। तो जीएसटी एक बिजनेसमैन के लिए क्या बन गया? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया? अब दोनों में डिफरेंस क्या है, साफ पता चल रहा है। डायरेक्ट पर्सन जिस पर लगाया जाता है वही पे करता है, इनडायरेक्ट टैक्स जिस पर लगाया गया वो पे जरूर करता है पर उसको शिफ्ट कर देता है। जो उसका फाइनल बर्डन है डायरेक्ट टैक्स का, जिसने पे किया उसी को सहन करना पड़ना है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका फाइनल बर्डन वो दूसरे पर शिफ्ट कर देता है, आप सहन नहीं करता। इसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्स है उसका मॉनेटरी बर्डन और रियल बर्डन दोनों वही व्यक्ति सहन करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का मॉनेटरी बर्डन एक सहन करता है, वो एज ए बिजनेसमैन जब फर्स्ट टाइम पे करता है, उसका रियल बर्डन कस्टमर को सहना पड़ता है, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। समझ लगी बात? ये थी टैक्स की क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स। स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा टॉपिक हम बना देते हैं इसको बात करके कि कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, टैक्स के घटक कौन कौन से हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो टैक्स की टाइप कौन कौन सी है, कौन कौन से टैक्स हमारे देश में चल रहे हैं। एक बात बता दूं, सारे देशों में ऑलमोस्ट बहुत से टैक्सेस सेम हैं, नाम उनके सेम हो सकते हैं, रेट हर कंट्री के अपने अपने हैं, हर वस्तु पे अलग ढंग से टैक्स लगता है। जब हम हमारे देश भारत की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो मेन टैक्स के कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से टैक्स लग रहे हैं, उनमें से सबसे मेन टैक्सेस कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या, टैक्स क्या है? किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को जो होने वाली इनकम है उस पर लगने वाले टैक्स को हम इनकम टैक्स या आयकर कहते हैं। इनकम हुई तो आपको जितनी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में इनकम हुई, उस आय पर आपको आयकर देना पड़ेगा। दूसरी टाइप है कॉर्पोरेट टैक्स। ध्यान से समझो, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? जितनी भी किसी देश में प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो उत्पादन करती हैं, उत्पादन करने के कारण उनको जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। ध्यान रखना इसको, कॉर्पोरेशन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। तीसरा है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या है? हमारे देश में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, देश के अंदर हमारे देश में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन वैल्यू पर लगने वाले टैक्स को हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। कस्टम ड्यूटी नेक्स्ट। कस्टम ड्यूटी, हमारे देश में जो वस्तुएं यूज तो हो पर उनका उत्पादन किसी बाहर के देश में हुआ हो और वहां से हमने उनको इंपोर्ट किया, आयात किया, उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। इसके अलावा सेल टैक्स, जो सेलिंग प्राइस है वस्तु का उस पर लगने वाले टैक्स को। इसके अलावा भी बहुत से टैक्स है, जैसे गिफ्ट टैक्स। आपको गिफ्ट प्राप्त हुआ, उसकी नई नई इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर ब्लड रिलेशन से कोई आपको गिफ्ट मिल रहा है एक लिमिट तक, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट दे रहा है तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, जो टाइम टू टाइम रूल चेंज होते रहते हैं कितना देना है, इसको कहते हैं गिफ्ट टैक्स। इसके अलावा वेल्थ टैक्स, संपत्ति पर भी कर लगता है। उस लोगों की जितनी संपत्ति है, अगर लिमिट से ज्यादा हो, 1 करोड़ 10 करोड़, वो अलग अलग है कंपनीज और पर्सनल के लिए, वो वेल्थ टैक्स एक्ट जब पढ़ोगे उसमें डिटेल में आता है। वो संपत्ति पर लगने वाले टैक्स को हम वेल्थ टैक्स कहते हैं। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत से टैक्स हैं जो टाइम टू टाइम लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी बुक्स उससे पहले की प्रिंटेड होती हैं जहां से हम कंटेंट्स को पढ़ते हैं। बहुत से जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड बुक्स हैं ऐसी हैं, उसमें एक नया टैक्स कभी भी लिखना मत भूलना, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाला टैक्स, उनकी सेल और परचेज पर लगने वाला टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टमर इसको फाइनल रूप से बर्डन इसका सहन करता है, जबकि इसको फर्स्ट टाइम पे कौन करता है? इसको बिजनेसमैन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर? 2017 से हमारे देश में जीएसटी लगाया गया है, दैट इज बिग चेंज। वन कंट्री वन मार्केट वन टैक्स, इस मोटिव को लेकर गवर्नमेंट चल रही है और जीएसटी लगाया गया। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। कंटेंट के बारे में थोड़ी दिलचस्पी भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ना हर साल बजट पेश करती है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के बजट में जब उसका हिसाब किताब बनाया जाता है, जैसे मैं 2019 के बजट की बात करूं,
जब पार्लियामेंट में पेश किया गया, मैंने उसको देखा कि टोटल बजट 27 लाख करोड़ का था लगभग। भाव इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट 27 लाख करोड़ खर्च करेगी डिफरेंट चीजों पर पैसे आएंगे कहां से? तो उसके आने के साधन कौन कौन से थे, वो भी 27 लाख करोड़। उसमें से लगभग 24 लाख करोड़, 24 लाख करोड़ सिर्फ टैक्सेस से आने वाला था, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जिसमें से जो डायरेक्ट टैक्स थे उसमें से 13 लाख करोड़, लगभग 13 लाख करोड़, और इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को मिलना था 11 लाख करोड़। ये मैं 19 के बजट की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही हर साल बजट आते हैं, टैक्स बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। आप सोच रहे होंगे 13 और 11 तो 24 लाख करोड़ बना, 3 लाख करोड़ कहाँ से आया होगा? वही वो डेफिसिट बजट होता है, जब हम बजट के बारे में डिटेल में बात करेंगे अलग वीडियो में, वहां बताया जाता है जब बजट में ऐसे कमी होती है उसको कहाँ से पूरा करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट दें, अपनी बात पूछें, मैं वहां जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत सी वीडियो जानकारी चैनल पर ऑलरेडी है, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड, बेसिकली कॉमर्स, मोटिवेशनल वीडियोस आल्सो देयर। तो इन सबको देखते रहिए, नई वीडियोज का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।